जीत के बाद भी हार्दिक ने चौथे टी20 के लिए बदली टीम, इस कमजोर खिलाड़ी को किया टीम से बाहर। जी दोस्तों, तीसरे टी20 में धमाकेदार जीत के बावजूद कप्तान हार्दिक पांड्या चौथे टी20 के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले कमजोर खिलाड़ी को बाहर कर दिया है, जिसके बाद अब चौथे मुकाबले में भारतीय टीम बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। दोस्तों, आखिर पांड्या ने चौथे टी20 से किस खिलाड़ी को बाहर किया है और किसे टीम में शामिल किया है, बताएंगे पूरी प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान और यशस्वी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। दोस्तों, लगातार दो शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने तीसरे टी20 में जमकर पलटवार किया और कैरेबियाई टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। इस मुकाबले को दुनिया के विस्फोटक खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने अपने विस्फोटक अंदाज से मैच को एक तरफा बना दिया। दोस्तों, सूर्या ने अकेले ही तूफान मचाते हुए 44 गेंदों में 83 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दी। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में भले ही सूर्या की बदौलत टीम इंडिया को एक आसान जीत मिल गई हो, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया की परेशानी कम नहीं हुई है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने तीसरे मैच में टीम को पूरी तरह से निराश किया, ऐसे में इन खिलाड़ियों को चौथे मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच शनिवार 12 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। दोस्तों, अब तक सारे मुकाबले वेस्टइंडीज में हो रहा था, लेकिन अब बचे हुए दो मुकाबले अमेरिका में खेला जाएगा, जहां पर वेस्टइंडीज से बिल्कुल अलग पिच होगा। वहां पर स्पिन से ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, ऐसे में गेंदबाजी में तो बदलाव होगा ही, साथ ही बल्लेबाजी में भी कुछ बदलाव किया गया है। दोस्तों, पहले तो ओपनिंग में ही बड़ा बदलाव किया गया है, पूरे दौरे में फ्लॉप चल रहे शुभमन गिल को पांड्या ने चौथे मैच से बाहर कर दिया है। दोस्तों, इस सीरीज में गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है, वे दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया को शुरुआत अच्छी नहीं मिल पा रही है। भारतीय टीम पावर प्ले में ही दबाव में आ जा रही है, ऐसे में गिल को बाहर करके एक बार फिर ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, चौथे मैच में ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी बल्लेबाजी करती नजर आएगी। वही तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, जबकि चौथे नंबर पर शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा एक बार फिर कैरेबियाई गेंदबाजों के लिए काल बनते नजर आएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में तिलक का बल्ला जमकर गर्जा है, तिलक हर मुकाबले में रन बना रहे हैं, ऐसे में अगर चौथे मैच में भी मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चल गया तो फिर वेस्टइंडीज की सामत आनी तय है। वही दोस्तों, पांचवे और छठवें नंबर पर संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ही पारी को संभालेंगे। हालांकि सैमसन भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हार्दिक ने संजू पर भरोसा जताया है। वही गेंदबाजी यूनिट में बड़ा बदलाव किया गया है, अमेरिका की पिच को देखते हुए चहल को बाहर करके एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल किया गया। जी हाँ, चहल की जगह पर जयदेव उनादकट को टीम में मौका दिया गया है, ऐसे में अब कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के रूप में दो स्पिन गेंदबाज और अर्शदीप सिंह, उनादकट, मुकेश कुमार के रूप में तीन तेज गेंदबाज चौथे मुकाबले में खेलते नजर आएंगे।